तो पोजीशन आप करोगे तो जैसे ऑब्जेक्ट वन है, तो ऑब्जेक्ट वन की पोजीशन मान लो टी वन, ठीक है, तो टी वन इज इक्वल टू जीरो सेकेंड जो है उस पे इसकी पोजीशन क्या आ रही है, एक्स वन जीरो, तो इसकी पोजीशन कर देते हैं एक्स वन जीरो। ठीक है, ऐसे ही टी वन जीरो सेकेंड पे जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन, तो उसकी पोजीशन ये आ गई एक्स टू जीरो, तो ये एक्स टू जीरो आ गई। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि जो वी वन और वी टू जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जब भी आप पोजिशन टाइम ग्राफ बनाते तो पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे वाले ग्राफ के लिए बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट वन के लिए, इस ऑब्जेक्ट वन के लिए भी इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें मिलेगा इन केस व्हेन वी वन इज इक्वल टू वी टू, जब वी वन इज इक्वल टू क्या है, वी टू है। ठीक है, वी वन इज इक्वल टू क्या है, वी टू है, तो उस केस में ग्राफ हमें मिलेंगे, है ना। तो ये ग्राफ तो किसका हो गया आपका, ये वाला ग्राफ तो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट टू, ये ग्राफ हो गया ऑब्जेक्ट टू के लिए, और ये वाला ग्राफ हमारा बन गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के लिए, और केस क्या है हमारा, वी वन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी टू। समझ में आया, पोजिशन टाइम ग्राफ है, हम ये मान रहे हैं कि वी वन एंड वी टू आर, वी वन एंड वी टू आर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट वन एंड टू, ऑब्जेक्ट वन और टू की क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है पोजिशन टाइम के लिए, आपको पता होगा इस तरीके का ग्राफ बने। ठीक है, समझ में आया, ये तो फर्स्ट केस अपन ने डिस्कस करा, इसी का अब हम स्टडी करते हैं सेकंड केस। ठीक है, आज इसी को कंप्लीट करेंगे हम, फिर कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे इसके। सेकंड केस हम ये करते हैं कि केस टू लिखते हैं इसके अंदर, केस टू, केस टू में ये करते हैं कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है ज्यादा है किससे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। तो अब आपको एक ग्राफ प्लॉट करके बताना है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का कैसा ग्राफ बनेगा इसमें। तो रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफ के लिए वही आपको एक्सिसेस बनाओगे आप। ठीक है, ये एक्सिसेस बनाई, एक्स एक्सिस पर आप टाइम लोगे, टाइम लिया हमने सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पर पोजीशन ले लोगे आप मीटर में। अच्छा, आप एक आंसर मुझे करो कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो और पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको वेलोसिटी के लिए प्लॉट करना है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए प्लॉट करना है, तो जो ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम का जो ग्राफ बनेगा, तो इसमें से v2 इज ग्रेटर देन v1, तो ऑब्जेक्ट 2 की स्लोप ज्यादा हो गई या ऑब्जेक्ट 1 की स्लोप ज्यादा होगी, ये बताओ मुझे। इस केस में जो ग्राफ बनाऊंगा मैं, पोजीशन टाइम ग्राफ जो मेरा बनाऊंगा ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 के लिए, तो कौन से वाले ऑब्जेक्ट के लिए स्लोप ज्यादा होगी, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए स्लोप ज्यादा होगी या फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए स्लोप ज्यादा होगी, बोलो। पोजिशन टाइम ग्राफ पढ़े ना आपने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने स्टडी करे, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। हाँ, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है टी टाइम इंटरवल में। सर, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट वन की टी टाइम इंटरवल में और ऑब्जेक्ट टू की टी टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम नहीं है दोनों की। अगर मान लो फर्स्ट वाली चल रही है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, तो पूरे टाइम इंटरवल में सेकंड ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा और फर्स्ट ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, ये इस तरह से कॉन्स्टेंट है, वो कंफ्यूज मत हो ना, इक्वल नहीं है दोनों, इक्वल वाला केस तो अपन ने कर लिया, दोनों का स्लोप जीरो रहेगा ना ना। अगर आप पोजीशन टाइम में दोनों का स्लोप जीरो रहेगा ना, जीरो नहीं रहेगा, जीरो कैसे रहेगा, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनता है उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है बताओ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और बाकी सब भी तो जवाब दो भाई, अकेला ही क्यों दे रहा है,
बाकी भी तो दो, बाकी ने नहीं स्टडी करा है क्या बिल्कुल भी? ये तो 9th क्लास के स्टूडेंट से पूछूंगा ना मेरे, वो भी बता देंगे स्पीड को या वेलोसिटी को। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, कोरोना पास करवाता रहेगा पर आगे जिंदगी में कोरोना पास नहीं करवाने वाला है। और पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तक खुद पढ़ाई नहीं करोगे, कोई भी आपको घुट्टी नहीं पिला देगा कहीं से लाके, ये ध्यान रख लेना। खुद करना पड़ेगा, खुद ही स्टडी करनी पड़ेगी, कोई भले किसी से कुछ भी पढ़ो आप जाके। अब ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी को, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड को। अब स्लोप क्या होती है बताओ मुझे, बोल के बताओ थोड़ा। ऐसे कैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई चल रही है आपके, तो कुछ पूछा ही नहीं है मैंने, इतनी सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपसे। स्लोप क्या होती है? हाँ, जो लाइन ग्राफ बनाया आपने उसकी स्लोप क्या होती है? ये बढ़िया है, आप चुप होके बैठ जाओ बस। टेन थीटा टेन थीटा होती है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो उसकी स्लोप होती है। सिखाया ना ये? हाँ, आपका बिल्कुल टाइम नहीं है पढ़ने का, तो ये पोजीशन और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक ग्राफ मेरा ऐसे बना हुआ है, एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, किसकी स्लोप ज्यादा है, ए की स्लोप ज्यादा है कि बी की स्लोप ज्यादा है? हाँ, स्लोप किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है या बी की? भाई बताओ ना, ये तो देखते ही बता देने वाली चीज है, इसमें क्या है ऐसा? स्लोप मतलब क्या होता है? जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है, अगर ए वाला ये बना रहा है, बी वाला ये एंगल बना रहा है, तो कौन सा एंगल ज्यादा है? ए ज्यादा है ना बी से, तो किसकी स्लोप ज्यादा हुई, ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है? अब तो देख के तो बोल दो यार, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ए की ज्यादा है, मोहित ने तो आंसर कर दिया, ए की ज्यादा है ना? तो ए की जो है वो स्लोप ज्यादा है, तो जो डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ, ये तो मैं समझा नहीं रहा, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कुछ समझा नहीं रहा है, तो मैंने पढ़ा दिया आपको पहले ही, मैं कोई कुछ समझा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है? तो हाँ, तो ये मोहित तो आंसर कर रहा है ना? तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है सब कुछ, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पोजिशन टाइम ग्राफ बनाया है। पोजिशन टाइम ग्राफ में जो है स्लोप का मतलब होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो स्लोप कहलाती है, ठीक है? तो ये स्लोप, जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या स्पीड ज्यादा होगी, तो ए की स्पीड क्या होगी, बी से ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? क्यों भाई जैद, सही बात है कि नहीं है? जैद, एंजल शुक्ला, संस्कृति, क्यों संस्कृति बेटा, सही है कि बात नहीं है, बताओ मुझे पहले। पोजिशन टाइम ग्राफ अपन बनाते हैं कि नहीं, है ना? पोजीशन टाइम ग्राफ अपन बनाते हैं, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो स्पीड को बताती है। स्लोप मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल बन रहा है, तो अभी इस केस में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल, ए का एंगल ज्यादा है, बी का एंगल कम है, तो यानी कि ए की स्लोप ज्यादा है, बी की स्लोप कम है, इसका मतलब है ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम है। अब इसी बात को जरा इधर फिट कर देते हैं अपन। अब यहाँ पर तो क्या है, जब टाइम टी इजिकल टू 0 सेकंड था, तो ए और बी दोनों की ही पोजीशन क्या थी, 0 मीटर थी। अभी हमारा जो केस है, हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे केस में क्या है, टी इजिकल टू 0 सेकंड पर जो ए वाला ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन x1 0 है, और बी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन x2 0 है। तो होने दो, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर आप ऐसे एक्स एक्सिस बना लो, ये एक्सिस बना लिया आपने यहाँ पर, है ना? देखना आप ध्यान से, कोई बात नहीं, बट बेटा थोड़ा बहुत पढ़ा करो यार। ये अपन ने एक्सिस बना ली है ना, और ये एक्सिस यहाँ पर बना ली। हाँ, वी टू का स्लोप ज्यादा होगा, वही तो समझा रहा हूँ। अब देखो, अब आप जब ग्राफ बनाओगे ना बेटा, इसमें अब आप जब ग्राफ बनाओगे तो वी टू बस ये एक्स एक्सिस बनाइए ना, येल्लो लाइन दिख रही है आपको, येल्लो लाइन से थोड़ी इसकी स्लोप ऐसे करो, आपको ये ऐसे बना दो, ये बना दो, ठीक है? अब ये जो एंगल रखा है, इससे कम एंगल किसके लिए रखना, इसके लिए रखना, क्योंकि देखो V1 वाली जो स्पीड है वो कम है, V1 वाली स्पीड जो है वो कम है, तो इसकी एक्स एक्सिस ये येलो लाइन से देखना, येलो लाइन से एंगल देखना, इसको ये एंगल क्या है, इसका एंगल थोड़ा छोटा कर दो, ये छोटा कर दो, ऐसे करके, समझ में आ रहा है?
ये छोटा कर दो ऐसा करके, है ना, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। तो ये तो ऑब्जेक्ट टू हो गया आपका, ये वाला क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट टू हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट वन हो गया, हो गया नहीं हो गया, ऑब्जेक्ट वन हो गया। अब इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर V2 की स्पीड ज्यादा हो गई और V1 की स्पीड कम है, और आप वैसे भी इमेजिन करके देख लो तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। अगर आप साइकिल पे चल रहे हो और आपके पास से कार निकली, तो कार की तो स्पीड ज्यादा है, तो कार और आपके बीच की दूरी क्या है, बढ़ती जाएगी, आप दोनों के बीच की दूरी क्या है, बढ़ती जाएगी, यानी सेपरेशन होता जाएगा। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई, आ गई बेटा समझ में? ठीक है, एक लास्ट ग्राफ और बता रहा हूँ, ये चैप्टर खत्म है, कल से अपन क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अब देखो मैं एक लास्ट ग्राफ और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़े बहुत आंसर करा करो यार, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट लेके चलना जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपको एक भी ग्राफ जो है ना रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, रटोगे। और देखो 11th 10th तक की बात और थी, 11th 12th या आगे की जो हायर क्लासेस है ना, उसमें उसमें आपको, हाँ मुझे भी लग रहा है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, बट बस फिनिश करने वाले हैं अपन ना, फिनिश करने वाले हैं, मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है, मुझे भी लग रहा है सर, ठीक है, बट कोशिश करो, देखते हैं फिनिश करते हैं इसको, है ना। तो लास्ट केस अपन ले रहे हैं कि इसमें अब क्या है कि V1 ज्यादा होगा V2 से, अगर V1 ज्यादा है V2 से, तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, जो भी मैंने आपको दिखाया है, पोजिशन टाइम ग्राफ अपन बना रहे हैं। तो पोजिशन टाइम ग्राफ में देखो हम क्या करेंगे, वही करते हैं, इधर टाइम एक्सिस ले लेते हैं, ये टाइम हम ले लेते हैं सेकंड में, और यहाँ एक्स पोजिशन ले लेते हैं मीटर में। पहली पोजिशन तो दोनों की ही सेम है, 0 पर, ये आप यहाँ पर कर दोगे X10, पोजिशन आ जाएगी 0 सेकंड पे, और इसको कर दो X20, ये ऑब्जेक्ट टू की पोजिशन आ जाएगी 0 सेकंड पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 0 आ जाएगा इधर, इसको अपन 0 कर देते हैं, ये आ गया 0 सेकंड, ठीक है। अब देखो वापस से वही आप ये एक्सिस ड्रॉ कर लो, पर अब की बार क्या है, किसकी स्लोप ज्यादा होगी, अब की बार फर्स्ट वाले की स्लोप ज्यादा होगी, अब की बार किसकी स्लोप ज्यादा होगी बेटा, फर्स्ट वाले की स्लोप ज्यादा होगी, सेकंड वाले की कम होगी। तो पहले सेकंड वाला मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो सेकंड वाले का, जैसे सेकंड वाला आपने ये बना दिया, ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट का ग्राफ बना दिया, अब फर्स्ट वाले की स्लोप आपको इससे ज्यादा रखनी है, तो बहुत आसान है, देख लो आप, इससे थोड़ा सा एंगल ज्यादा कर दो, इसका एंगल ज्यादा कर दो, तो ये दोनों आके क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एक जगह, ये क्रॉस कर गए, देखो ये क्रॉस कर गए यहाँ पे, ठीक है, करा नहीं करा, ये स्लोप आप जैसे ज्यादा करोगे तो ये दोनों यहाँ पर आके क्रॉस कर जाएंगे। तो ये जहां पर क्रॉस कर रहे हैं, जैसे इसको मैं पी पॉइंट कर देता हूँ, तो पी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा, ये पी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, मीटिंग पॉइंट। कैसे पता लगाया, आप मान लो आप कार में हो, कोई आगे साइकिल पे जा रहा है, आप पीछे से आ रहे हो, तो पीछे से आ रहे हो, आपकी स्पीड तो ज्यादा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप कार और साइकिल दोनों बराबर पे आ जाएंगे, तो वो आपका मीटिंग पॉइंट होगा। पर आप तो कार में हो, कार की स्पीड तो ज्यादा है, तो उसके बाद आप आगे निकल जाओगे और वो साइकिल जो है वो पीछे रह जाएगी, है क्या नहीं। तो ये जो मीटिंग पॉइंट आपका आ रहा है, इस मीटिंग पॉइंट पे अगर आपको टाइम निकालना हो, अगर इस मीटिंग पॉइंट पे टाइम निकालना हो, तो ये आपका मीटिंग टाइम आ जाएगा, इसको मैं टी पी कर देता हूँ, टी पी क्या आ गया, आपका मीटिंग टाइम आ गया। ऐसे ही आप कहाँ मीट हो रहे हो, अगर वो पोजीशन भी आपको निकालनी हो जहां पर आप दोनों मीट हो रहे हो, तो ये आपका एक्स पी आ जाएगा, ये आपकी क्या आ जाएगी, मीटिंग पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि हमने जो ये ग्राफ्स बनाने चालू कर रहे थे, ये ग्राफ बनाने हमने चालू कर रहे थे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहां से यहां तक वाला, इसमें अगर आप X2 - X1 निकालोगे, ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखना, ये वाले रीजन में अगर आप X2t - X1t निकालोगे, तो देखो इस वाले रीजन में X1t तो छोटा और X2t बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही अगर आप इस रीजन में आ जाओगे, इस वाले रीजन में, और इस वाले रीजन में आप X2t - X1t निकालोगे, तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। क्यों आएगी, क्योंकि आप जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये यहाँ तो मिल जाएंगे एक दूसरे से, और फिर ये आगे निकल जाएगा, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या आगे निकल जाएगा,
तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज्यादा होगी, और सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट की क्योंकि स्पीड कम है तो उसकी डिस्टेंस कवर क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से